देखिए, जो मास्क हम लोग सोच रहे हैं वो मास्क, पहले तो वो मास्क नहीं है। मास्क दो प्रकार के होते हैं, एक रेस्पिरेटर होता है, एक मास्क होता है। अभी जो आप पहन के आए थे वो रेस्पिरेटर है। रेस्पिरेटर का क्या मतलब है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में हैं वो रोकता है, ना ही बैक्टीरिया रोकता है, ना फंगस रोकता है, ना वायरस रोकता है। तो 50% हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो रेस्पिरेटर पहने हैं। रेस्पिरेटर आप चाहें तो दिखा सकते हैं, आप अभी पहने हुए थे। ये रेस्पिरेटर है, ये रेस्पिरेटर है, ठीक। इसमें N95 छपा जरूर है, लेकिन इसमें कहीं वॉल्व तो दिख नहीं रहा आपको, कहीं वॉल्व दिख रहा है? ये असली N95 है, इसमें वॉल्व दिख रहा है आपको, इसके अंदर हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक। तो ये मास्क नहीं है, इसमें N95 जिसने भी लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। ये N95 नहीं है, ये सिंपल एक रेस्पिरेटर है जो ना वायरस रोकता है, ना बैक्टीरिया रोकता है, ना फंगस रोकता है, केवल ये डस्ट पार्टिकल रोकता है, ठीक है। तो ये तो मिथ्या है, दिस इज अ मिथ। इसको पहनिए ना पहनिए, तो स्टेटस सिंबल है। अगर नीले रंग की कमीज है तो नीला ही ठीक है, और लाल की कमीज है तो लाल पहन सकते हैं आप। तो ये तो हो गया रेस्पिरेटर। अब हमारे समाज में कई तरह के मास्क हैं। एक तो कपड़े का मास्क, जो आजकल फैशन स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां वो बनाती हैं, तो वो भी वही चीज़ है कि वो एक सिंपल सा खादी का कपड़ा है या कॉटन का कपड़ा है जो वायरस नहीं रोकता, क्योंकि वायरस का जो साइज होता है 125 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर आप समझ रहे हैं, 1 mm का भी लाखों गुना छोटा, 1 mm का भी लाखों गुना छोटा, ठीक है। तो वो मास्क रोकने के लिए हमें बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी वो मास्क बनाने के लिए, और हम एक सिंपल सा कपड़ा पहने हुए हैं वो वायरस नहीं रोकता, ठीक है। वो फिर डस्ट पार्टिकल रोक रहा है, पोल्यूटेंट्स रोक रहा है, तो ठीक है। आप पोल्यूटेंट्स नहीं ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी कुछ बेटर हो सकती है, मान सकते हैं। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, हम जानते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जब हम कोई चीज़ ऊपर अपने पहन लेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, ठीक। फिर हम ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो आसपास भरी हुई है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। तो इन नटशेल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती जाएगी, धीमे धीमे डाउन होती जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऐसी चीज है जो RBC यानी रेड ब्लड के सेल्स के द्वारा हमारे शरीर में घूमती है और हर ऑर्गन को खाना सप्लाई करती है। ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी तो हमारा शरीर कमजोर होता चला जाएगा और हम विभिन्न बीमारियों के लिए प्रीडिस्पोज्ड हो जाएंगे, चाहे उसमें कोरोना हो, चाहे कोविड हो, चाहे उसमें डेंगू हो, मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, ट्यूबरक्लोसिस, चाहे कोई भी, ठीक है। अब जो हमने आपको ये बता दिए, जो बाकी हमारी जनरल पॉपुलेशन पहनी हुई जनरल सा मास्क की खादी का, वो मास्क नहीं है, फिर वो भी एक तरह का रेस्पिरेटर, यू कैन से, और यू कैन से इट कैन ओनली प्रिवेंट पॉल्यूटेंट्स, फेयर इनफ, यू आर प्रिवेंटिंग पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स हम, चलिए, जब से कोविड आया है तो पॉल्यूटेंट्स हम पहन के कुछ बचे हुए हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, फंगस से नहीं, केवल पॉल्यूटेंट से बचे हुए, ठीक है, ये बात मान लेते हैं, चलिए पॉल्यूटेंट से बचते हैं। अब एक होता है सर्जिकल मास्क, मनु जरा सर्जिकल मास्क दिखाना, वहाँ पर बहुत सारे पड़े हैं, जिसमें 3 लेयर होती है, नीले रंग का होता है, देखा होगा आपने। अरे भाई, एक आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, मनु, दिया लाइए। ये मास्क है, और अगर हम इसको पहन लेंगे यूं, तो वायरस बैक्टीरिया अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा नहीं है कि वायरस को रोक सके। ये एक सर्जिकल मास्क है जो डॉक्टर लोग पहनते हैं सर्जरी के टाइम, जिससे कि उनकी सांस के बैक्टीरिया सर्जरी की साइट पे ना जा सके। अगर सर्जरी की साइट पे जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो सर्जिकल, मान लीजिए पेट खुला हुआ है, तो पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो सर्जरी ठीक होने के बावजूद भी मरीज मर सकता है। तो हमारे सांस के बैक्टीरिया शरीर में ना जाए, पेशेंट के शरीर में, इसलिए सर्जिकल मास्क पहना जाता है। ये सर्जिकल मास्क बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं रोकता, ठीक है। इसको पहनना ना पहनना बेकार हो गया। हमारे मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, गमछा पहनो,
गमछा। अब गमछा में आपने ध्यान दीजिए तो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, छह लेयर बन जाती। हमारे बाबा भी गमछा पहना करते थे, तो मोदी दी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि गमछा पहनिए। गमछे में कई लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है, ध्यान दिया होगा। तो पॉल्यूटेंट्स भी रुकते हैं और काफी हद तक बैक्टीरिया रुकता है, वायरस नहीं। वायरस का साइज तो बहुत ही छोटा होता है ना, वो आंखों से कहां दिखता, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है। देखिए जब गमछा हम पहनते हैं तो जैसे ये हम मास्क पहन ले रहे हैं, ये मास्क हम पहन ले रहे हैं तो एक टाइट हो जाता है, गमछा इतना टाइट नहीं होता। आपने हमारे प्रधानमंत्री को देखा होगा आराम से लपेटे हुए, साइड में हवा है, ध्यान दीजिए साइड में थोड़ा सा खुला हुआ है तो वहां एडिक्वेट ऑक्सीजन जा रही है। लेकिन गमछा वहीं पहनेंगे जहां पर भीड़ भाड़ का एरिया हो, ठीक है। अगर अपने कमरे में बैठे हैं तो गमछा पहनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो गमछा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। एक मैंने एक दिया जलाया, मैं एक दिया जलाया मैंने, ये मैं अपने पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये दिया। अब मैंने ये जो है मास्क पहन लिया और दिया मेरे सामने जल रहा है, देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, दिए को बुझाने की कोशिश करता हूँ, दिया बुझिए, ठीक है। अब मैं फिर से दिया जलाऊंगा, यानी कि मेरी हवा सांस की मास्क से निकल के दिया को बुझा दे रही है। तो वायरस तो भैया उससे बहुत ही छोटा 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 वो तो आ ही जा रहा है। नहीं समझ में आई बात, चलिए मैं आपके सामने अब दूसरा मास्क पहनता हूं और फिर जलाता हूं, ठीक है। अब हम देखिए फिर से दिया जला रहे हैं और एक मास्क पहन के मैंने दिए को बुझा दिया था, अब हम दूसरा मास्क पहनते हैं आपके सामने, ठीक है। अब मैंने दो मास्क पहन लिए, अब फिर हम इसको बुझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये दिया हम ला रहे हैं अपने पास, थोड़ा कम बुझा, फिर हम एक बार कोशिश करते हैं, यानी डबल लेयर्स जब हो गई फिर बुझ गया, यानी दो मास्क पहनने पे भी पार्टिकल्स का आदान प्रदान हो रहा है और वायरस का तो क्या कहना, वायरस तो बहुत ही छोटा है। चलिए अब हम तीसरा मास्क पहनते हैं, तीसरा मास्क, ठीक है। अब फिर हम कोशिश कर रहे हैं बुझाने की, नहीं बुझा, एक बार और कोशिश करेंगे, नहीं बुझा। यानी कि अब तीसरा, तीन मास्क पहनने के बाद हमारे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो कुछ हद तक रुके, लेकिन वायरस नहीं रुका है। एयर पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 mm मान लीजिए या 1 mm का 1/10 mm मान लीजिए, लेकिन वायरस तो 1,00,000 times ऑफ 1 mm है। यानी दो मास्क पहनने पे भी वायरस नहीं रुकेगा, एयर पार्टिकल नहीं रुक रहा तो वायरस कैसे रुकेगा। तो तीसरे मास्क में केवल एयर पार्टिकल रुका, वायरस नहीं, ठीक है ना, बैक्टीरिया। तो पहनना क्या है, जनरल पॉपुलेशन को अगर इन्फेक्टेड है, जो पेशेंट इन्फेक्टेड है उन्हें मास्क पहनने की बहुत जरूरत है, जिससे मेरे समाज में वो इन्फेक्शन ना फैलाएं, ठीक है। जैसे हम जब पेशेंट को देखते हैं तो मुझे मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं, मैं क्या करता हूं, अपना N95 मास्क उनको दान दे देता हूं कि भैया आप पहन लीजिए, अगर मैं पहन लूंगा तो मेरी इम्यूनिटी डाउन होगी, क्योंकि फिर मैं कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता रहूंगा, मेरी इम्यूनिटी डाउन होगी। तो मैं ये मास्क कभी नहीं पहनता, अपने पेशेंट को गिफ्ट कर देता हूं कि आप बेटा पहन लो, ठीक है। तो हाँ, तो उससे ये होता है कि वो मुझे ट्रांसमिट नहीं करता, मैं हो गया सेफ और पेशेंट ने अगर बगल इन्फेक्शन नहीं फैलाया। इसीलिए हमारे मोदी जी कहते हैं मास्क पहनो भाई, किसी को ये तो पता नहीं कि उसको कोरोना है कि नहीं, खांसी जुकाम है, कई कॉज होते हैं। तो अगर आप मास्क पहन रहे हैं या सर्जिकल सिंपल मास्क पहन रहे, कुछ हद तक तो आप हमारे समाज में एयर ड्रॉपलेट कम फैला रहे हैं, तो हमारे समाज में इन्फेक्शन की चांसेस कम है। लेकिन अगर आप ये सोच ले रहे हैं कि ये मास्क पहनने से आप बच जाएंगे, बाकी मास्क ये सब पहनने से और जितने भी ब्रांडेड मास्क चल रहे हैं पहनने से बच जाएंगे, तो ये गलत फहमी है आपकी। मैं हजारों कोरोना पॉजिटिव मरीज देख चुका हूँ और कईयों को ठीक भी कर चुका हूँ, कभी मैंने ना मास्क पहना ना पीपीई पहना।